सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं, इनपुट आउटपुट सिस्टम हमें जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का, जो सेंट्रल सिस्टम है, और जो बाहरी इन्वायरमेंट है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम के रूप में कार्य करता है। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम जानते हैं कि हम कंप्यूटर में प्रोग्राम को फीड करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि उसे क्या कार्य करना है। तो वो आप प्रोग्राम के माध्यम से उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं और प्रोग्राम आप इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से फीड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसी प्रकार जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर ने परफॉर्म किया, सीपीयू ने, कंप्यूटर ने, तो उसे यूजर को डिस्प्ले कराने के लिए आपको आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। कीबोर्ड एक बहुत ही पॉपुलर मीडियम है जो कि एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का, जो कि देखने में टाइपराइटर की तरह होता है और वो व्यक्ति को ये कैपेबिलिटी देता है कि वो अल्फा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कंप्यूटर को फीड कर पाए। जब भी आप इस कीबोर्ड की कोई की को दबाते हो तो जो टर्मिनल है वो बाइनरी कोडेड करेक्टर को कंप्यूटर को सेंड करता है और ये इंफॉर्मेशन कितनी तेजी से कंप्यूटर तक पहुंचेगी ये डिपेंड करता है कि यूजर की टाइपिंग स्पीड कितनी है। क्योंकि कंप्यूटर के सीपीयू की तरफ से कोई स्पीड में लिमिटेशन नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है सीपीयू की, वो मनुष्य की टाइपिंग स्पीड से कई गुना ज्यादा है। इसलिए जो हमारी टाइपिंग स्पीड है उस स्पीड से अगर सीपीयू काम करे तो बहुत सारा जो समय है सीपीयू का वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू बहुत इंस्ट्रक्शन को बहुत फास्ट रेट में प्रोसेस करता है और अगर वो आपके इनपुट के लिए लगातार इंतजार करता रहे आपकी टाइपिंग स्पीड के अनुसार तो बहुत सारा टाइम सीपीयू को आइडल रहना पड़ेगा। इसलिए जनरली आप जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं आप सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर उस प्रोग्राम को सेव करते रहते हैं और जब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो आप उसको रैपिड रेट में ट्रांसफर कर देते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोसेसिंग के लिए, प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेसिंग के लिए। इस प्रकार आपकी जो लिमिटेशन है टाइपिंग स्पीड की वो ओवरकम हो जाती है, क्योंकि ठीक है आप लिखेंगे तो अपनी स्पीड से ही, लेकिन चूंकि अभी वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है उन इंस्ट्रक्शन की, अभी आप उसको कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, जब आप उसे एग्जीक्यूट करोगे तो उस प्रोग्राम की एक कॉपी रैम में या प्राइमरी मेमोरी में जाके ट्रांसमिट होगी और फिर वहां से वो रैपिड रेट में प्रोसेस होता रहेगा। जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर के डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं उसे आप ऑनलाइन डिवाइसेस कहते हैं, जो कि ऑनलाइन कनेक्टेड है। ये डिवाइसेस इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि ये कंप्यूटर की मेमोरी में और मेमोरी से डायरेक्टली डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं। कब? जब उन्हें सीपीयू इंस्ट्रक्ट करे, और ये कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट ही माने जाते हैं। जो भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस के बहुत पॉपुलर एग्जांपल हैं कीबोर्ड, डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर। आइए अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस की। इनपुट आउटपुट इंटरफेस कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए एक मेथड प्रोवाइड करता है। पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, इनको एक स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक चाहिए होता है इंटरफेसिंग के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ। अब ये स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए क्योंकि सेंट्रल कंप्यूटर या
सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस आपस में भिन्न है, बहुत ज्यादा भिन्न है, और उनमें टेक्नोलॉजी या बहुत सारी चीजों के लिहाज से बहुत सारी असमानताएं हैं। इसलिए उनको एक सेपरेट कम्युनिकेशन लिंक चाहिए ताकि वो सीपीयू से बात कर सके। आइए जानते हैं वो क्या रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो या तो वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं, और जो सीपीयू है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो दोनों ही अलग अलग तरीके की डिवाइस हैं, इसलिए इनकी जो सिग्नल की वैल्यू है वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए इनका कन्वर्जन होना जरूरी है, क्योंकि वो एक दूसरे तरह के वैल्यूज में काम करता है और पेरिफेरल डिवाइसेस दूसरे तरह की वैल्यूज में काम करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में 0-1 के फॉर्म में आप डेटा या बाइनरी फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दूसरी तरीके से जो सिग्नल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो इसलिए ये कन्वर्जन जरूरी है एक तरह के सिग्नल का दूसरे तरीके के सिग्नल में, ताकि दो डिवाइसेस जो अलग अलग टेक्नोलॉजी में काम करती हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस की डेटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत कम है कंपेयर टू सीपीयू। तो क्योंकि इन दोनों में स्पीड का मिसमैच है, तो इसलिए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की आवश्यकता है दोनों के बीच में। पेरिफेरल डिवाइसेस के डेटा कोड और फॉर्मेट अलग हैं उनसे जिन जिनमें कंप्यूटर या मेमोरी काम करती है। तो ये डेटा जो फॉर्मेट है ये डिफरेंट है, इसलिए भी एक इंटरफेस की जरूरत है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस इंटरेक्ट करते हैं या जुड़े होते हैं। हर तरह का पेरिफेरल डिवाइसेस का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है या ऑपरेटिंग मोड है वो अलग है। तो एक पेरिफेरल डिवाइस जो सीपीयू से इंटरेक्ट कर रहा है वो अपने ऑपरेशन के दौरान जिस वक्त वो ये डेटा ट्रांसमिट कर रहा है दूसरे पेरिफेरल डिवाइस को डिस्टर्ब ना करिए, इसकी आवश्यकता है। और इस सभी का समाधान है ये इंटरफेस यूनिट। ये इंटरफेस यूनिट जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है और सीपीयू के बीच में एक स्पेशल हार्डवेयर है जिसका काम है जितना भी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर हो रहा है पेरिफेरल डिवाइस और सीपीयू के बीच में उसको सुपरवाइज करना और सिंक्रोनाइज करना।